आज मार्च एक है और साउथ कोरिया में आज छुट्टी है, हॉलीडे होता है, तो आज मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ अपने कोरियन दोस्त के साथ। तो फिलहाल मैं अपने घर से निकल गया हूँ और मेट्रो की तरफ चल रहा हूँ। मेट्रो लेकर यहाँ से 40 मिनट लगभग मैं जाऊँगा और वहाँ पे मिलने की बात हुई है। फिर उनके गाड़ी से हम लोग सियोल से नॉर्थ में पोचन करके एक शहर है, तो वहाँ की यात्रा आज करेंगे। और पोचन मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, सो वहाँ एक्चुअली नॉर्थ में यहाँ जाएंगे तो नॉर्थ कोरिया की दिशा में हम लोग जाएंगे, तो नॉर्थ कोरिया से सबसे पास का शहर है पोचन। वहाँ पर एक लेक फेमस है, तो उस लेक जाएंगे देखने लेक को। उसके बाद थोड़ा सा और नॉर्थ में जाएंगे तो छड़वन करके एक जगह है, वहाँ पे एक नदी है, नदी के ऊपर सुना है बड़ा अच्छा स्काईवे बना हुआ है, तो मैंने भी बस इंटरनेट पे देखा है, तो चलते हैं देखते हैं। और आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, आप भी मेरे साथ बने रहिए और आज जैसे जैसे मैं घूमता रहूँगा आपको भी दिखाता रहूँगा। तो लेट्स गो। भीड़ भाड़ आने वाला मेट्रो स्टेशन, लगभग कोई नहीं है। बारिश हुई है सुबह सुबह, मौसम तो पूरा बारिश वाला हुआ है, बट और कुछ में देखा मैंने कि दोपहर से मौसम ठीक हो जाएगा। फिलहाल जहाँ मैं मिलना था मैं वहाँ पे आ गया हूँ, फालसन मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर वेट करने के लिए बोला गया है। रास्ते में सोचा कि थोड़ा सा कॉफ़ी ले लिया जाए, तो मेरे कॉफ़ी शौक है, यहाँ से काफ़ी लाते मैंने ऑर्डर किया है दो। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे कोरियन फ्रेंड हैं, नमस्ते। ये भी भारत से बहुत प्यार करते हैं, तो भारत भी कई बार गए हैं, इनके साथ आज यात्रा कर रहे हैं। मिस्टर ली इनका नाम है। तेल के लिए रुके हुए हैं ये, यहाँ पर हमारे भाई साहब तेल डाल रहे हैं, सेल्फ है यहाँ पर। भारत में तो बहुत कमी जगह सेल्फ होगा, मैंने तो कहीं देखा नहीं है, कोरिया में ऑलमोस्ट सेल्फ पेट्रोल पंप ज़्यादा है। हमें जहाँ जाना है लगभग हम वहाँ आ गए हैं, सांजंग लेक बोलते हैं, शहर के बीच में है और ये राइट साइड में कैंपिंग लोग कर रहे हैं। मौसम अभी भी क्लाउडी है, देखते हैं दो घंटे बाद मुझे लगता है कि थोड़ा मौसम साफ होने के चांसेस हैं। बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ है, पहाड़ है, पहाड़ के बीच में धुंध है, फॉग है और रोड भी बड़ा खूबसूरत है। ड्राइविंग करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं तो ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, साइड में बैठा हुआ हूँ, बट बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ही खूबसूरत है। नमस्कार दोस्तों, और हम अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, सांजंग लेक बोलते हैं यहाँ पर, और एक घंटे 40 मिनट की ड्राइव कर यहाँ पहुँचे हैं। बाहर का एटमॉस्फेयर देखिए, यहाँ हम लेक के साइड में जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर दुकानें हैं, ये गुब्बारे फोड़ने की दुकान है, ये लेक की तरफ जा रहा है रास्ता,
आज हॉलीडे होने के कारण सोचा था कि लोग बहुत होंगे, लेकिन शायद थोड़ा मौसम ठीक नहीं है इसलिए लग रहा है लोग कम हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि इस पेड़ पे जो पानी की बूंदें हैं वो भी जम गई हैं। ये हम आ गए अपने पहले डेस्टिनेशन के पास, सांजन लेक, पोचन शहर के अंदर पड़ता है। ये सामने लेक है और लेक में देख रहा हूँ ठंड होने के कारण बर्फ जमी हुई है। मैं अभी सबसे ऊंचाई वाले जगह पे हूँ, मेरे पीछे देखेंगे दिख रहा है पार्किंग और इस साइड में लेक है, फ्रोजन बर्फ जमी हुई है। करेंगे फिर लंच करने के बाद फिर दूसरा डेस्टिनेशन आपको दिखाते हैं।